एक राष्ट्र एक चुनाव वर्तमान समय की जरूरत, पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया सुझाव, का संविधान को लेकर आम जनमानस में जागरूकता जरूरी। संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान प्रस्तावना की दिलाई शपथ, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने देशवासियों से किया अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह होने का आह्वान। भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में हर साल 20 अरब डॉलर की व्यावसायिक संभावनाएं, तीसरी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, निवेशकों और कारोबारियों को भारत की अक्षय ऊर्जा यात्रा में शामिल होने का दिया न्योता। प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल रखने वाली मूल्य आधारित शिक्षा वक्त की जरूरत, सिक्किम के ICFAI विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति का संबोधन, कहा नई शिक्षा नीति का लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान का केंद्र बनाना। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने कहा मुंबई आतंकी हमले के घावों को नहीं भूल सकता देश, नई नीतियों के साथ आतंकवाद से निपट रहा है भारत।